भाई साहब यार कितनी भागने की कोशिश करी गाइस, बट यार ये पेड़ की वजह से यार मेरा एक्सीडेंट हुआ। और गाइस यार यहाँ पर मैं बाइक से गिर गया और इन दोनों मुस्टंडो ने गाइस मुझे पकड़ लिया यहाँ पर। अरे अब तुम्हें हमारे बॉस के बंगले पर जाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन भाई मुझे तुम्हारी बॉस की बेटी से शादी नहीं करनी यार। अरे वो हमें कुछ नहीं पता, बॉस ने हमें पूरे पैसे दिए हैं और ये कहा है कि अगर तुम इसे पकड़ के लाते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन भाई मैं तुझे 20 लाख देता हूँ। ओए सबसे पहले तो घुटनों पे बैठ वापस से। अरे भाई मेरी बात तो सुन, मैं तुझे 20 लाख देता हूँ, मुझे छोड़ दे। नहीं 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 ऐसे कैसे, 20 लाख रुपए के लिए हम लोग अपने डॉन बॉस को धोखा दे दें? चुप रह, चल हमारे संग गाड़ी में, वापस से घुटनों पे बैठ। अरे छोड़ देना भाई प्लीज, घुटनों पर बैठता है कि अभी बंदूक से उड़ाऊं। अरे बैठ गया भाई बैठ गया। अरे यार चलो चलो इनको गाड़ी में भरते हैं। इनको क्या बोल रहा है भाई, इसको बोल। अरे हाँ, अरे लेकिन ये तो होने वाले दामाद जी हैं। अरे हाँ सही कह रहा है, भूल गया था मैं तो भूल गया था। अरे सर बैठिए। अच्छा बेटे तू सीधे सर पे आ गया, तो ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मुझे छोड़ो और मैं पैदल ही आ जाऊंगा। अरे सर ऐसे कैसे? अरे भाई साहब मैं तुम्हारा होने वाला सरजी हूँ ना, तो फिर भाई मेरी बात मानो। अभी हुए नहीं हो सरजी, होने के बाद ही हम तुम्हारी बात मानेंगे, अभी क्यों बात माने और हमें तुम क्यों करे तुम्हें। चल बैठ जल्दी से गाड़ी के अंदर। अरे ये तो वापस से अपनी पे आ गया, चलते हैं फटाफट से। अरे वैसे लेकर कहाँ जा रहे हो यार? अरे सबसे पहले अपने डॉन के पास लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से उनके बंगले पर। अरे यार मैं सच में तुम्हें 20 लाख, चलो 30 लाख देता हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं चाहिए। 50 लाख? नहीं चाहिए। अरे यार लगता है ये पैसों से नहीं मानने वाले। अरे भाई साहब ये शिंचन और पिंचन कहाँ है? वो लोग सबके सब बंगले पर गए। बंगले पर गए? अरे हाँ बिल्कुल, वो लोग तो तैयारी है तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तुम ही पता नहीं क्यों आना कानी कर रहे हो। अबे भाई साहब यार मतलब इन लोगों ने गाइस मुझे जानबूझ के फंसाया है, यहीं पर थे ना वो लोग? अरे हाँ कह तो रहा हूँ वो लोग गए। अरे यार भाई साहब। अरे यार अब तो तुम चुपचाप हो जाओ और गाड़ी से कूदने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अरे यार तुम क्या इसे आइडिया दे रहे हो? अरे यार मैं तो भूल गया था, गाड़ी से कूदने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अरे नहीं कूद रहा भाई, मैं क्या पागल हूँ जो चलती गाड़ी से कूदूंगा? इसीलिए कहता हूँ शांति से बैठे रहो गाड़ी पे। अरे भाई साहब यार लेकिन तुम्हारे बॉस का बंगला कितनी ज्यादा दूर है? अरे बॉस हमारे डॉन है, उन्होंने पूरा एक किला बनवा रखा है। अबे तो भाई साहब तुम लोग एक बात बताओ, क्या है? मुझे ऐसे बकरियों की तरह लाद के क्यों लेकर जा रहे हो यार, गाड़ी के अंदर ही बिठा लो। नहीं नहीं तुम गाड़ी के अंदर से हमें धक्का देकर भाग गए तो? अरे ये क्या पागल है, जो भी है हम लोग शांति से पीछे बैठे रहो। गाइस यार अच्छा खासा मेरी बाइक फुल स्पीड में दौड़ रही थी, पता नहीं वो पेड़ बीच में कहां से आ गया गाइस और बुरी तरीके से टकरा के यार उससे मैं नीचे गिर गया और ये लोग मेरा पीछा कर ही रहे थे और पकड़ भी लिया इन लोगों ने। गाइस गुस्सा आ रही है यार, वैसे तुम लोग तो पैदल दौड़े थे ना भाई? तो हम लोग वापस गए गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी लेकर आए। अच्छा कहां पर है तुम्हारे बॉस का बंगला? अरे वो बॉस का बंगला है अमीरों की बस्ती में। अमीरों की बस्ती? अरे मतलब अमीरों के घरों की तरफ, उधर ही लेकर जा रहे हैं तुम्हें। भाई साहब शादी का मंडप सब तैयार है। अच्छा दुल्हन भी सजी पड़ी है, बस तुम्हें ले जाकर शादी करवानी है। अरे भाई साहब यार तुम क्या गाजर मूली काटने वाले हो? अरे क्यों यार, तुम लोग शादी को तो इतना आराम से बता रहे हो भाई साहब जैसे गाजर मूली काटनी है वहाँ पर प्लेट में। अरे हाँ यार यही तो करना है। चुप हो जा तू। अरे यार तुम चुप हो जाओ। अरे भाई कहाँ है बंगला? अरे यार वो देख रहे हो सामने। भाई साहब ये बंगला है? अरे हाँ ये तो लाल किला लग रहा है। हाँ हमारे बॉस को लाल किला बिल्कुल पसंद था, इसीलिए उन्होंने बंगला भी ऐसा ही बनवाया। भाई साहब गाइस वो सामने की तरफ देखो तो सही, पेड़ों के बीच में क्या ही घर है। हाँ उसी घर के तुम मालिक बनने वाले हो। और लेकिन भाई घर के चक्कर में मैं नहीं करने वाला शादी, तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। अरे भाई साहब गाइस वैसे घर तो बहुत ही बड़ा है। अब शांत हो जाओ, घर की ज्यादा तारीफ मत करो। अरे तुम लोग किले किधर से जा रहे हो मुझे? अरे शांत बैठे रहो ना। ओ भाई साहब वहाँ पर पूरा मंडप लगा रखा है क्या? और क्या, अब मैं तुम्हें यहाँ पर उतारता हूँ, सीधा जाना अंदर की साइड। ठीक है चलो शांति से उतरो। अरे उतर रहा हूँ भाई, अब तो हाथ हटा लूँ, अब तो घुटनों से उठ जाऊँ। ठीक है उठ सकते हो, अब जाओ सीधा अंदर। ठीक है यार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। अबे भाई साहब जिसको देखो नमस्ते बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं। ओ भाई साहब क्या ही बड़ा बंगला बनवा रखा है यार इसने। एक काम करूँ क्या गाइस, यहाँ से भाग जाऊँ क्या? लेकिन एक सेकंड यार, पहले बंगला तो देखे। और ये शिंचन पिंचन भी तो इसी के कब्जे में है यार, पता नहीं इन लोगों को कहाँ इसने रख रखा है। फिलहाल तो गाइस भाई साहब क्या ही बंगला यार। ओके ओके अंदर की साइड चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नमस्ते नमस्ते लगा रखा है जिसको देखो। ओ भाई साहब इधर ही हो रही है क्या शादी इसकी बेटी की? ओके कुर्सी वर्सी सब सजवा रखी है भाई, क्या ही बात है।
यहाँ पर भी गार्ड्स हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अरे क्या है ये सारे के सारे नमस्ते क्यों कर रहे हैं गाइस मुझे? ओ भाई साहब, इसमें शादी की तो तैयारी अच्छी कर रखी है, बीच में स्विमिंग पूल भी है गाइस, क्या ही बात है। अरे भाई साहब ये रहा, नहीं आ गए तुम, मुझे लगा ही था तुम जरूर आओगे। अच्छा जाओ जल्दी से दूल्हे वाले कपड़े पहन के आओ। अरे मैं नहीं पहन के आ रहा भाई, मैं ये बताने के लिए आया था कि मैं ना कर रहा शादी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो भूलो मत, तुम्हारे छिंचन पिंचन चौप हमारे कब्जे में है। अरे यार तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, वरना बेटा तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। अरे यार अब जल्दी से जाकर यहाँ पर शादी वाले दूल्हे वाले कपड़े पहन के आओ, और ना पहन के आए तो गार्ड्स जरा बंदूक देना। ठीक है सर, अभी देता हूँ, गन लीजिए सर। अरे यार उड़ा दूं तुम्हें? अरे मत उड़ा भाई, पहन के आ रहा हूँ, यहाँ तो जबरदस्ती बना रखी है गाइस इन्होंने। भाई साहब यार गुस्सा आ रही है मुझे बहुत ही ज्यादा, पता नहीं छिंचन पिंचन को कहाँ पर ही बंद कर रखा है। कहाँ पर भाई कपड़े मिलेंगे? यार जाओ जाओ आगे जाओ, हमारे बंगले में तुम्हें गार्ड्स बता देंगे। अरे कौन सा गार्ड्स बताएगा तुम्हारा, लगता है खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। बताओ गाइस यार क्या ही बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, एक तो मैं ऊपर से यहाँ पर कोई मदद भी नहीं कर रहा, वॉइस ऑफ सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगवा रखा है गाइस इसने। वैसे यार ये छिंचन पिंचन को बांध के कहाँ रखा है, इन लोगों ने नजर भी नहीं आ रहे कहीं भी। अरे यार मजा आ गया, ये फ्रेंड भैया की शादी तय हो गई, तो यार मस्त बर्गर खाने को भी मिल गया और मस्त गुलाब जामुन भी मिल गया, यार क्या ही मस्त है। बाबा सब सही कह रहे हैं यार, छिंचन भाई गुलाब जामुन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। अरे यार तुम लोगों ने वो टिक्की खाई क्या? बाबा साहब गोलगप्पे चखे तुम लोगों ने, वो भी मजा आ गया यार। अरे हाँ यार मजा आ गया, फ्रेंड भैया को फंसा के यार क्या ही मस्त खाने को मिल रहा है। अरे वैसे फ्रेंड भैया की शादी हो जाएगी तो यार बहुत ही सारा मस्त मस्त खाने को भी मिलेगा, और इस वाले बंगले में भी यार दो चार दिन तक हम लोग आएंगे और छुट्टियां मनाकर जाएंगे, वैसे भी फ्रेंड भैया का ही घर हो जाएगा ये तो। अच्छा हाँ ना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ना। अरे हाँ फ्रेंड भैया, अरे फ्रेंड भैया यार तुम कभी यहाँ पर आए? अभी जब तुम लोग मेरे बारे में बकवास कर रहे थे भाई साहब, बहुत ही ज्यादा गुलाब जामुन गोलगप्पे भाई खा रहे हो ना तुम लोग, मैं तुम लोगों को ये हजम नहीं होने दूंगा। अरे क्या करने वाले हो? कोई ऐसा प्लान सोचूंगा कि भाई साहब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अरे लेकिन सांप कहाँ है? और भाई साहब कलुआ लाठी कहाँ है? अबे कहावत बोलिए, मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा ना भाई कि ये डॉन भी मेरे पे गुस्सा ना हो, बल्कि उल्टा खुश हो जाए और उसकी लड़की की भी शादी हो जाए। अरे ऐसा क्या करोगे? रुक जा वो तो सोचना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब मुझे तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ आ रही है। भाई साहब ये डॉन की प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, फिर तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या करोगे यार? बेटा तुम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मैं टॉर्चर करने वाला हूँ। भाई साहब मेरे को यहाँ पर फंसा दिया, ऊपर से घर पे मैं क्या मस्त बैठ के कार्टून देख रहा था, टीवी देख रहा था, ऊपर से फोन करके कहता है कि आ जाओ एक सरप्राइज देना बहुत ही तगड़ा वाला, ये था सरप्राइज। अरे हमें लगा पसंद आएगा। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ऊपर से डॉन के घर यहाँ पर शादी तय करवा दिया है, तुम लोग ही बताओ कोई आइडिया से बाहर निकलने का। अरे हम तो नहीं बताएंगे, हमें तो मजा आ रहा है। ठीक है बेटा ठीक है, आज तुम भी धोखा दे लो। जिस दिन गाइस अभी मेरे को पता चलेगा ना, जिस दिन मैं इस डॉन से फ्री हो गया ना, तब तुम्हें बताऊंगा। अरे तुम फ्री ही नहीं होने वाले। बेटा कुछ तो आइडिया सोच के गाइस मैं फ्री हो ही जाऊंगा इस डॉन से, लेकिन क्या आइडिया सोचूं यार। वहां पर देखो गाइस मंडप वंडप सब तैयार है, इसके रिश्तेदार विश्तेदार नहीं है क्या भाई, सारी तरफ गार्ड ही गार्ड है। चलो छोड़ो यार जो भी हो, फटाफट से मैं कपड़े पहन के आता हूँ, तब तक थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा। अरे यार हेलो भाई तुम कौन हो? अरे मैं यहाँ का गार्ड हूँ। तेरे पास ड्रेस कहाँ है बे? मेरी तबीयत खराब है इसलिए आज गार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं गाइस कैसे कैसे लोग है, फटाफट से जाकर गाइस अंदर से कपड़े पहन के आते हैं। ओके सो गाइस यार यहाँ पर भाई साहब मैं दूल्हा बनकर पूरी तरीके से गाइस रेडी हो चुका हूँ, अभी यार फटाफट से चलते हैं। मैंने सोचा था गाइस कपड़े पहनते पहनते यार कुछ मस्त आइडिया सोच लूंगा, लेकिन भाई साहब आइडिया ही नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ मैं क्या करूँ, फंस गया यार आज तो बुरी तरीके से, लगता है इसकी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। अरे फैमे यार ये क्या क्या हो गया भाई? अरे यार नीचे का कहाँ है? पहन तो रखा है तूने ग्रीन ग्रीन। अरे यार तुम्हारे नीचे का कहाँ है? मेरे नीचे का? अबे भाई साहब, अरे यार सिर्फ चड्डी पे ही आ गए। अरे यार पैंट पहनना मैं भूल गया। अरे इतनी भी क्या टेंशन है यार। अबे भाई उसका प्लान सोचते सोचते गाइस पैंट पहनना भी भूल गया यार, वो तो सही है मैं उधर नहीं गया वरना और तगड़ी बेइज्जती हो जाती। अरे फैमे जल्दी से पहन कर आ यार पैंट भी। आ रहा हूँ यार, चलो गाइस थोड़ा और सोचने का टाइम मिल गया, लेकिन क्या करूँ मैं क्या करूँ। सो गाइस यार यहाँ पर पैंट भी मैं पहन के आ चुका हूँ, वैसे भाई साहब कुछ गदर ही लग रहा हूँ मैं, वैसे क्या गदर लग रहा हूँ यार। लेकिन गाइस यार यहाँ पर भले ही मैं पैंट पहनना
करना भूल गया था। बट गाइस यार एक बहुत ही ज्यादा मस्त आइडिया मुझे सूझ चुका है। अरे फैम ये तुम्हारा पिछवाड़ा सूझ चुका है? पिछवाड़ा नहीं बेटा, तुम लोगों का पिछवाड़ा सुझाऊंगा मैं, घर जाके भाई बहुत ही बुरी तरीके से पीटूंगा। पहले तो गाइस यार मेरे पास बहुत ही तगड़ा आइडिया आ चुका है, वो सुनो। अरे क्या आइडिया है? तुम्हें क्यों बताऊं बे? गाइस यार जो मेरा आइडिया है मैं जाकर तुम्हें दिखाई देता हूं ना यार, आइडिया तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। गाइस मैं तुम लोगों को डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, डेमो दिखाता हूं डायरेक्ट तुम लोगों को। फटाफट से गाइस चलते हैं यार जल्दी से। ओके ओके आ चुके हैं गाइस यहां पर। सॉरी भाई सॉरी। अरे कोई नहीं सर कोई नहीं। ओके सो गाइस यहां पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से चलते हैं। ओ वैसे यार सच में तेरे भाई रिश्तेदार नहीं है क्या वो डॉन भाई? अरे गिर गया पानी में भाई, लो और भी बेइज्जती हो गई। चलो गाइस थोड़ा और टाइम मिल गया। अरे बता ना भाई डॉन भाई तेरे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? नहीं यार नहीं है। क्यों? नहीं क्योंकि हमारे काम ही ऐसे है कि कोई हमसे रिश्तेदारी नहीं रखता। अच्छा हाँ यार यही बात है। क्या बात है भाई इतने बढ़िया काम करता है तू। अरे यार जॉन सभी रिश्तेदार फालतू बोलता है टपका डालते हैं इसलिए कोई रिश्ता ही नहीं रखता। तो ऐसा है भाई रिश्तेदार ऐसा काम करेगा तो कौन ही रिश्ता रखेगा? वैसे यही है क्या तेरी बेटी? अरे हाँ हाँ यही है। अरे दादी मैं ही आती बेटी। ये क्या तोतली है? नहीं हाँ यार ये थोड़ी सी तोतली है। अच्छा और इसकी आवाज कैसी है? अरे आवाज से तुम्हें क्या मतलब है यार, मेरी बेटी है डॉन की बेटी है, साथ में इतना सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, करो ना शादी। अरे यार भाई साहब ये लेकिन तोतली है। अरे तोतली हूँ तो क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई साहब यार ये तो कुछ ज्यादा ही तोतली है। अरे यार छोड़ो ना। वैसे तू एक बात बता, तू अपने आप को डॉन कहता है ना? नहीं डॉन कहता हूँ क्या यार, वो तो मैं हूँ ही। अच्छा तो तू एक बात बता भाई, यहाँ पर सब तेरे से डरते हैं। अरे हाँ बिल्कुल। तो एक बात बता भाई साहब, तू जो दूल्हा तेरी बेटी को छोड़ के भागे तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा? अरे यार मैं क्या बिगाड़ू उसका, वो भाग गया तो भाग गया, छोड़ो ना यार उस दूल्हे को दोबारा पकड़ के थोड़ा लाऊंगा मैं। अबे यही तो बात भाई, फिर तो तेरे से लोग डरना ही बंद कर देंगे। वो कैसे यार? अबे देख तू भाई साहब रिश्तेदार कोई फालतू बोलता है सीधा टपका डालता है। अरे हाँ यार। और भाई साहब कोई और भी फालतू बोलता होगा तू उसे भी टपका डालता होगा। अरे हाँ यार तभी तो पूरा शहर डरता है। अबे भाई साहब क्या फायदा पूरा शहर डराने का, जो तेरी बेटी से शादी करने आया था वही तेरी बेटी को छोड़ के भाग गया। अरे दादी बात तो ये थी तेरा। सही कह रहा हूँ ना बात मैं बिल्कुल? अरे हाँ दादी बात तो थी तेरा ये। अरे हाँ यार बात तो तुमने सही कही लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अबे भाई उस दूल्हे के बारे में पता लगा जो छोड़ के भाग गया उससे ही शादी करवा, तभी तो भाई दबदबा रहेगा कि जिससे तूने ठानी उसी से आखिर शादी करवा के माना। लेकिन मैं शादी करवाऊँ कैसे यार, मुझे दूल्हे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तुझे लाकर ढूंढ कर देता हूँ ना वो दूल्हा। सच में तुम पता लगा लोगे? मैं बिल्कुल पता लगा लूंगा, कैसी बात कर रहा है तू। अच्छा तो ठीक है फिर तो मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। ठीक है यार तू एक काम कर, फटाफट से उसकी फोटो मेरे मोबाइल पे सेंड कर दे, उसको मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन एक बात सुनो। क्या भाई तुम भाग गए तो? अरे भाग कैसे जाऊंगा, तू शिनचैन को मेरे संग आने दे, पिनचैन और चॉप को तू अपने पास ही रख, जब तक मैं भाई उस दूल्हे को ना लेकर आऊं तब तक उन्हें तू जाने मत दियो। नहीं यार ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है ना भाई? ठीक है। अरे फैमे यार तुमने ऐसा क्या बोला कि ये मान गए? तुझे बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई ठीक है। लेकिन ध्यान नहीं यार भागने की कोशिश मत करना। पर कैसे भागूंगा भाई, चॉप और पिनचैन को मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अरे हमें यहाँ पर क्यों छोड़ रहे यार? भाई साहब कलिया यहाँ पर क्यों छोड़ रहा भाई? अबे भाई ताकि इसके दूल्हे को मैं ला सकूं जो दूल्हा भाग चुका है। अरे फैमे उसको तुम लाने वाले हो क्या? हाँ उसको लाने वाला हूँ और उसी से शादी होगी भाई इसकी बेटी की। अरे हाँ दादी अब तो होती थी होती। अरे यार ये तो तोतली है। अरे भाई तुझे क्या है तोतली है तो? ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं भाई आजा शिनचैन। अरे फैमे जल्दी आ रहे यार। भाई साहब कलिया जल्दी आइयो यार। अरे वैसे मुझे क्यों ले जा रहे यार, मुझे भी यहीं पर रुकना है। क्यों बे? अरे क्या मस्त मस्त खाने को मिल रहा है यार इनके घर पे। अरे तू चल मेरे संग भाई साहब, तुझे मेरी हेल्प करवा दी है। अरे यार क्या करने में? वो दूल्हा ढूंढने में जो दूल्हा भाग गया। अरे फैमे ठीक है यार। ऐसे डॉन भाई सुन मेरी बात, फोटो भेज दियो उसकी। अरे हाँ यार अभी तुम निकलो तो सही, अभी फोटो भेजता हूँ मैं। ओके सुगाए उस फटाफट से निकलते हैं। वैसे गार्ड इनको एक गाड़ी दे दो। गाड़ी भी देने वाला है तू? अरे हाँ यार क्या बाइक पे इधर उधर डोलते फिरोगे, गाड़ी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या ही बात है गाइस, गाड़ी भी देने वाला है। अरे फैमे चलो यार चलो। वैसे यार क्या है तुम गाड़ी लेकर खुश हो रहे हो, शादी कर लो यार पूरा बंगला ही मिल जाएगा। चुप रहे। ओके सो गाइस फटाफट से ढूंढने चलते हैं यार, लेकिन ढूंढेंगे कैसे, शक्ल से उसकी सिर्फ किसी से तो हेल्प मांगनी पड़ेगी। भाई साहब गाड़ी दो ना। अरे यही वाली गाड़ी ले लो यार। अरे चल चल दूसरी गाड़ी ला कर दे। ओ डॉन भाई दूसरी गाड़ी मंगवा कोई बढ़िया सी। अरे रुक जाओ यार भी मंगवाता हूँ। अरे यार ले जाओ गाड़ी। ओ भाई साहब यार गाड़ी तो गाइस तगड़ी मिल गई। अरे फैमे मैं क्या कहता है यार छोड़ो ना यार पिनचैन को, हम लोग निकलते हैं जल्दी से गाड़ी चला के। पागल हो गया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं चेक कर रहा था तुम आखिर क्या कहते हो। कुछ नहीं कहने वाला
में है। सो गाइस अभी फटाफट से यार हम लोग निकलते हैं जल्दी से इधर से। वैसे गाइस हम लोगों को जल्दी से ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई सब आखिर में इसका जो भाई भागा है दूल्हा उसको आखिर में पकड़ा कैसे जाए। अरे फैमिली यार यही तो सोचना है। लेकिन भाई मेरे से नहीं सोचा जा रहा है यार। अरे तो वहाँ पर क्या लंबी लंबी फेंक के आके। अरे कोई बात नहीं टेंशन मत ले, हम लोग कुछ ना कुछ करके गाइस पता लगा ही लेंगे। लेकिन क्या पता लगाएंगे? अरे लेकिन कैसे पता लगाएंगे भाई? तो यार सिर्फ फोटो के बलबूते पर कैसे पता लगाएं? अरे फैमिली एक काम करते हैं यार, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं कि ये बंदा हमारे पैसे चुरा कर भाग गया, पुलिस खुद ही ढूंढेगी। आइडिया तो बढ़िया है तेरा। अरे फैमिली हाँ यार वही तो। लेकिन मान ले अगर पुलिस ने पकड़ लिया और उस बंदे ने उल्टा केस कर दिया कि मैंने तो कुछ चुराया नहीं, फिर पुलिस ने हमें ही पकड़ लिया तो? अरे हाँ यार ये भी बात है। लेकिन भाई सब हम लोग तब तक ये कर सकते हैं कि पुलिस से। लेकिन नहीं नहीं यार। अरे फैमिली यार वो वाला आइडिया फ्लॉप है यार, छोड़ो। अबे नहीं, जैसे वो बंदा हम पर उल्टा केस करेगा ना हम लोग पुलिस को पैसे दे देंगे। अरे लेकिन पुलिस यहाँ की पैसों में नहीं मानती। ये भी बात है यार, यहाँ के पुलिस वाले ईमानदार भी तो है। अरे फैमिली तो यार अब क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा गाइस, अगर पिंजन और चौक को छुड़ा कर लाना है और खुद की जान बचानी है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखते हैं गाइस, वैसे तुम लोगों के पास कोई खतरनाक सा आइडिया है गाइस उस फोटो वाले बंदे को पकड़ के लाने का तो गाइस फटाफट से जाकर अभी के अभी कमेंट में बताओ। अरे हाँ गाइस फटाफट से जाकर कमेंट में बताओ। और गाइस अभी के अभी जाकर वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुँचाओ। अरे हाँ गाइस फटाफट से यार वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुँचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि जल्द से जल्द पिंचन और चौप को हम लोग वहाँ से छुड़ा ले और गाइस वापस से पिंचन और चौप हमारे साथ आ जाए तो फटाफट से गाइस अभी के अभी वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुँचाओ और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन प्रेस करो। हाँ गाइस अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो फटाफट से कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।